कोई आवाज सुनी थी, मुझे लगा वाड़े में कोई चोर ना घुस गया हो, इसीलिए मैं यहाँ। चोर आएगा यहाँ तो वही आएगा जिसे अपनी जान प्यारी नहीं है। अरे पर तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? अरे पानी पीने आई थी, यहाँ तो पानी नहीं है। वही नहीं रहती है तो कोई परेशानी नहीं होती। नौकरों के घर जाने से पहले खाने पीने का पूरा इंतजाम करवाती है वही नहीं उनसे। मेरे तो कुछ याद ही नहीं रहता है। और ये नौकर एक नंबर के निकम्मे हैं। हर चीज इन्हें बतानी पड़ती है, खुद के मन से तो कभी कुछ नहीं करेंगे। मुझे मुझे लगता है मुझे ही कुएं पे जाके पानी निकालना पड़ेगा। सुनो सुनो, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। क्यों, आपको अंधेरे में अकेले रहने से डर लगता है? नहीं, मुझे लगा कि तुम्हें जो भी लगा हो आपको गलत लगा है। मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। हाँ वैसे तो हर वक्त चीऊ चीऊ करते हुए चक्कर लगाते रहेंगे, और जब सही में साथ होना चाहिए तो आ नहीं सकते हैं। क्यों आएंगे, मैंने ही उन्हें आने से मना किया था। तो क्या हुआ, क्या हर काम वो मेरी मर्जी का करते हैं? उन्हें आना तो चाहिए था ना, अगर आ जाते तो मैं मान जाती ना। आज दिन भर मेरी तारीफ करते रहे, मेरी खुशामद में लगे रहे। इतनी भी अकल नहीं है कि कब कौन सी बात माननी चाहिए कौन सी नहीं। अगर ये सब बातें उन्हें समझ में आती तो ये दुखी क्यों होता। आखिर आ ही गए ना पीछे पीछे, कोई जरूरत नहीं थी आने की। We'll be right back.
विश्वनाथ क्या हुआ क्या हुआ मच्छियों मैं अपने जीते जी तुम पर आंच भी नहीं आने दूंगा भेड़िया चला गया उसे पता चल गया कि तुम अकेली नहीं हो तुम्हारे साथ तुम्हारी रक्षा करने के लिए कोई आदमी है तुम्हारा पति अरे वाह तुम तो खाद मिलते ही पूरी तरह से खिल गए और तुम अभी भी शर्मा रहे हो कोई बात नहीं जितना समय लेना है ले लो क्योंकि मैं जानता हूं तुम भी जरूर खिलोगे चाहे फूल हो या इंसान कुछ कुछ आसानी से खुल जाते हैं और कुछ खुलने में थोड़ा सा समय लेते हैं लेकिन जो खुलने में समय ले इसका अर्थ ये तो बिल्कुल नहीं कि वो कहीं से कम है साई 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 मैं पूरा गांव घूम आया आपको ढूंढते ढूंढते आराम से हाँप रहे हो तुम पहले सांस ले लो फिर शांति से बताना सब ठीक तो है ना ठीक साईं इससे बेहतर आज तक कभी नहीं हुआ और हो भी क्यों ना आप जो है मेरे साथ साईं मैं बहुत खुश हूं आपके बताए मार्ग पर चलने के बाद मेरी जिंदगी बदल चुकी है साईं मेरे अंदर एक नया आत्मविश्वास भर गया है अब मैं बिल्कुल नहीं घबराता कल अंता पंता श्याम राव के साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे लेकिन मैंने उनकी एक नहीं चलने दी मैं श्याम राव के लिए खड़ा हुआ और साई सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो ये है कि चियो के साथ मेरे संबंध मधुर हो गए हैं तुम्हें खुश देखकर मैं बहुत खुश हूं साई ये सब आपकी वजह से हो रहा है नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया मैं तो सिर्फ माध्यम हूं जो कुछ किया वो तुमने किया है वो तुम्हारी मेहनत तुम्हारे कर्म का फल है साई आप इसी तरह मुझे मार्ग दिखाते रहिए और मैं उस मार्ग पर चलता रहूंगा मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे इसी तरह आपसे ज्ञान और प्रेरणा मिलती रहेगी राम जी भला करें चलता हूं साईं देखा इस भले इंसान को कैसे तुम्हारी तरह और खिल गया है अपने उद्देश्य के करीब और करीब जाते जाते
केशव, ऐसे मुंह फुलाकर अकेले क्यों बैठे हो केशव? सब लोग मुझसे दूर भागते, कोई बात नहीं करना चाहता। जानबूझकर अपना अपमान करने से अच्छा है कि मैं घर में ही रहूं। हरिओम हरिओम। तू मेरा बेटा है, कुलकर्णी सरकार का बेटा है तू, और कुलकर्णी सरकार शिरडी के राजा है, राजा। हमें मार्ग में बाधाओं का सामना करना पड़े तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम मैदान छोड़ के भाग जाए, पलायन करें। हम जो कर रहे हैं उसे करते रहना चाहिए, समझे? और ये कोई आवश्यक नहीं है केशव कि कल जिन्होंने ग्रामोफोन से गाना नहीं सुना है वो आज भी ना सुने। मैं जो नियम बनाता हूँ उसका पालन करते हैं लोग। साई ये सब नहीं करता है। हरिओम। और स्मरण है ना मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? पिता धर्म पिता स्वर्ग, पिता ही परम तप, पितरी प्रतिमा पन्ने प्रियंते सर्व देवता। इसका अर्थ क्या है स्मरण है ना? जी पिताजी, पिता ही धर्म पिता ही स्वर्ग, पिता का सबसे बड़ा तप है। पिता का प्रसन्न होना अर्थात सभी देवताओं के प्रसन्न होने सम्मान है। बहुत अच्छे। अंता बंता, ये सरकार ग्रामोफोन लेके केशव के साथ जाओ और जो मैंने कहा है उसे याद रखना। स्मरण है ना मैंने क्या कहा था ग्रामोफोन के विषय में? हाँ, कि उसमें भूत नहीं है। हाँ हाँ, उसमें भूत नहीं है। कथे कहीं के। मेरा कहने का आशय ये नहीं है, मेरा कहने का आशय है कि मैंने आज जो कहा है वो स्मरण है ना? और यदि स्मरण नहीं है तो स्मरण दिलाने के लिए मैं जूतों का उपयोग करना भी जानता हूँ। याद आ गया सरकार, सब याद आ गया। जाओ केशव के साथ जाओ ग्रामोफोन लेके, हाँ, और जो मैंने कहा है वो करो। अगर नहीं कर पाए तो जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। चलो। हरिओ। यदि आज मेरा पांड लक्ष्य भेदने में सफल रहा तो केशव के हृदय में उस ढोंगी पाखंडी के प्रति जो व्यर्थ की श्रद्धा है, अंधविश्वास है, अंधभक्ति है, सब सदैव के लिए निकल जाएगा। और हो सकता है केशव आहत होकर लंदन जाने के लिए हामी भी भर दे। रुक्मिणी के वापस लौटने से पहले केशव को लंदन भेजना होगा, नहीं तो माँ बेटे दोनों एक दूसरे से विलग नहीं होना चाहेंगे। हरिओम। इस बाजे के साथ गांव में क्यों घूमता रहता है? अगर गीत संगीत का इतना ही शौक है तो अपने घर में बैठकर सुने। चलिए वाड़ा चलते, अब मैं यहाँ रुककर अपनी और बेइज्जती नहीं चाहता। पंता जी, ये तो अभी से लौटने की बात कर रहा है। अगर हम लोग लौटे तो इस बार सरकार ने ये भी नहीं कहा है कि वो हमारे साथ कैसा सुलूक करने वाले हैं। डरिए मत अंता जी, हमने कुलकर्णी सरकार का नमक खाया है, इतनी आसानी से हार मान ले, और वो भी इस बच्चे से। वो आपकी क्या बेइज्जती करेंगे जिनकी खुद की कोई इज्जत नहीं है।
ये गांव के सभी लोग आपसे ईर्ष्या करते, ईर्ष्या जल भून गए सब। सरकार ने क्या कहा था याद है ना आपको? हम इतने जल्दी हार नहीं मान सकते। हम थोड़ी देर यही इंतजार करेंगे ना, तो कुछ लोग संगीत सुनने जरूर आ जाएंगे। सब्र रखो। हाँ हाँ, सब्र रखिए। वैसे तो वो पाखंडी रोज इसी समय लेंडी बाग से लौटता है, पता नहीं आज क्यों देर हो रही है उसे आने में। इस तरीके से इस यंत्र को खंडित करते हैं। भगवान, अभी तक तो ठीक ठाक था। अपने आप जैसे किसी ने जादू किया हो। जादू? हाँ, जादू, जादू ही था अंता जी। मतलब? मतलब क्या? आपने गौर नहीं किया? जैसे ही वो पाखंडी सा यहाँ से गुजरा, वैसे ही ये गिर पड़ा। क्या? ये क्या कह रहे हो आप लोग? और वो ऐसा क्यों करेंगे? क्यों नहीं करेंगे ये कहो। इस बाजे से सबसे ज्यादा परेशानी साई को ही थी। और तुम ये जानते हो केशव कि पूरे शिरडी में साई के अलावा किसी के पास भी जादुई शक्ति नहीं है। आप सही कह रहे, ये सब साई का ही किया धरा है। लेकिन अब हम करेंगे क्या? ग्रामोफोन टूटा हुआ देखकर पिताजी बहुत गुस्सा करेंगे। आप लोग पिताजी को सच सच बताइएगा कि ये सब साई ने जादू से तोड़ा है। नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो केशव? ऐसे सोच भी कैसे सकते हो तुम केशव? हम सबने देखा कि जब साई यहाँ से गुजर रहे थे, उसी समय ये नीचे गिर के टूट गया। देखने और महसूस करने से अगर सच होता तो मैंने भी देखा और महसूस किया कि उस दिन तुम हमारे साथ कैसे दुर्व्यवहार से पेश आए थे। चलो ना केशव, छोड़ो मेरा हाथ। और मैंने ये समझा कि तुम बदल गए हो, गलत हो, लेकिन वो साई ही था जिसने हमें ये समझाया था कि अगर केशव तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार से पेश आए तो उसके पीछे कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, कोई कारण होगा। तुम्हारे पीठ पीछे भी साई ने तुम्हारा पक्ष लिया। तुम भूल गए कि उसने तुम्हारे लिए क्या क्या किया था? आहा,
तुम तो उसी साई का पक्ष लोगी, तुम्हें उसके कोई दोष दिखाई नहीं देते। लेकिन हमारा केशव वो बहुत समझदार है, वो साक्षी है घटना का, प्रमाण है उसके पास। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? क्यों झूठ झूठ कहकर भड़का रहे हैं केशव को? उस दिन गांव वालों को साई ने ये समझाया था कि काम के समय काम करे। साई किसी पे नाराज नहीं होता, ना ही गुस्सा करता है। फिर साई का केशव के इस बाजे से क्या लेना देना? चल बढ़िया ही, उस दिन तो तू वहाँ थी भी नहीं, तू तो पाठशाला में परीक्षा दे रही थी। हमें सब पता है साई ने उस दिन सबको बहुत गुस्सा करके भगा दिया वहाँ से। तुम्हें लगता है कि हम बातें बना रहे? तो सुनो केशव के मुंह से ही सुनो। बताओ केशव। हाँ जयप्री, उस दिन तुम नहीं थी। सच में साई बहुत गुस्सा कर रहे थे, और तो और उन्होंने मेरे फूफा जी को भी डांटा। नहीं केशव, मैं नहीं मानती। हमें अभी के अभी ये बात स्पष्ट करनी पड़ेगी कि कौन सही है और कौन गलत। ठीक है, मैं अभी साई को लेकर आती हूँ, और साई ये सिद्ध करेंगे कि उन्होंने तुम्हारा बाजा तोड़ा नहीं है, बल्कि वो इसे फिर से पहले जैसा बना देंगे। तुम तो जानते ही हो, कुछ भी कर सकता है मेरा साई, बिगड़े को भी बना सकता है मेरा साई। अंता जी, अब तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या करें? अगर साई यहाँ आ गया और उसने ये पता लगा लिया कि बाजे को हमने तोड़ा है, तो वो तो फिर से। अंता जी, मेरे हाथ जल रहे हैं। अंता जी, मेरा तो पूरा तन बदन जल रहा है। नहीं पंता जी, याद मत दिलाइए। कहीं उस दिन की तरह वह हमें फिर से ना जला दे। देखिए ना साईं, अभी तो इसने घिसकना शुरू ही किया था। किसी ना किसी वस्तु की तलाश में इधर उधर रेंगता रहता, भागता रहता इधर उधर। साईं, कितना भी इस पे ध्यान रखूं, थोड़ी सी नजर हटी कि यह नजर से ओझल हो जाता है। साईं, जरा सी लापरवाही क्या हुई? पता नहीं इसने कैसे अपने पैर में ये लोटा फंसा लिया। हमने बहुत कोशिश की इसे निकालने की, पर निकाल नहीं पाए, इसलिए आपके पास लेकर आए। आप तो सब चीज ठीक कर देते हैं ना? कुछ करिए साईं। हाँ हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। परेशान मत हो तुम लोग। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.